नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो आज आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है 1 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपके सामने है कि अभी हाल ही में किस देश ने 9वीं बार मंगल ग्रह के लिए कोई अभियान भेजा है। तो ये सब आपको जरूर पता होगा कि 23 जुलाई को कौन सा देश ऐसा था जो ये करने वाला था, मंगल ग्रह पर एक अभियान भेजने वाला था। तो अब तक का सबसे उन्नत मिशन भेजा गया है। लेकिन इस न्यूज पर चलने से पहले एक करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहली जानकारी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि भारत ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन को बनवाया है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और फिर इसका मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगन्नाथ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। आखिर क्यों भारत मॉरिशस में पैसे लगा रहा है, क्यों भारत मॉरिशस की काफी ज्यादा मदद कर रहा है, इन सभी बातों के ऊपर हम लोग जरूर आएंगे। लेकिन पहले न्यूज कंप्लीट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगन्नाथ ने 30 जुलाई को मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। वैसे ये भवन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बनवाया गया है और बड़ी बात है कि इसमें भारत के आर्थिक सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का नवीन भवन 2016 में मॉरिशस के भारत सरकार के 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत जो 5 परियोजनाएं शामिल हैं उनमें से एक है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रवीण जुगन्नाथ ने मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल के संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश में एक सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है या उसका निर्माण कराया है, तो वह है मॉरिशस। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। भारत और मॉरिशस के संबंधों की बात की जाए तो भारत और मॉरिशस के संबंध दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत और मॉरिशस के बीच के जो संबंध है वो 1730 से ही स्थापित है। हालांकि दोनों के देशों के मध्य राजनयिक संबंध यानी कि जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो मॉरिशस के आजाद होने के बाद 1968 में बने, 1948 में ही स्थापित हुए। प्रवासी भारतीयों के संबंध में बात करें तो मॉरिशस भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक बड़ा स्वाभाविक कारण यह भी है कि इस द्वीप पर भारतीय मूल के समुदाय काफी अधिक संख्या में रहते हैं। मॉरिशस की 68% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है, जिसमें आमतौर पर इंडो मॉरिशस के रूप में भी जाना जाता है। यहां भारत के प्रवासी भारतीय दिवस उत्सव का एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। इस मंच पर प्रवासी भारतीयों से संबंधित मुद्दों को संबोधित भी किया जाता है। इस तरीके से हमारे संबंध का क्या महत्व रहेगा, अगर हम इसे देखें जियोपॉलिटिकल वे में यानी कि भू राजनीतिक स्थिति में देखें तो मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है। अगर हमारे मॉरिशस से संबंध अच्छे बने रहते हैं तो हमें वहां पर कई सैन्य अड्डे स्थापित करने की आजादी मिल सकती है। वहां पर हम अपना हिंद महासागर में जो सामरिक क्षेत्र है उसको मजबूती से पकड़ सकते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत द्वारा स्वयं को एक महान शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में मॉरिशस के साथ मजबूत संबंध एक विशेष रणनीतिक महत्व रखते हैं। वर्ष 2015 में भारत ने मॉरिशस के साथ 8 भारतीय नियंत्रित तटीय निगरानी राडार स्टेशनों की स्थापना के लिए भी समझौते किए थे। मॉरिशस भारत की सुरक्षा ग्रिड का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय नौसेना राष्ट्रीय कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क के तटीय निगरानी राडार स्टेशन शामिल है। 2015 में सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नामक एक महत्वाकांक्षी नीति का अनावरण किया गया, जिसमें भारत ने हिंद महासागर में उपस्थित सभी तटीय देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए। और इन कदम का मतलब होता है सीधा सीधा उस देश में जो कि गरीब देश है वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए। कोविड-19 के दौरान भी मॉरिशस की काफी मदद की भारत ने। तो हाल फिलहाल मॉरिशस में एक सुप्रीम कोर्ट भवन और ये थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा। मॉरिशस देख लेते हैं कहां पर है, आपको ले चलते हैं मॉरिशस। ये आपका इंडिया है, आप यहां कहीं बैठे होंगे, आपको इधर आना पड़ेगा, अरेबियन सी से होते हुए आप यहां पर पहुंचेंगे और यही है हिंद महासागर में मॉरिशस। मॉरिशस मेडागास्कर के थोड़ा सा आप देखेंगे पूर्व की ओर है और मेडागास्कर और ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ही रखा जाता है। ये एशिया महाद्वीप में नहीं आता, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा वहां चलती है मॉरिशस रुपया, क्योंकि वहां पर भारतीय मूल के लोग हैं तो रुपया ही का ज्यादा प्रयोग करते हैं वो। दूसरा ये कि मॉरिशस के जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं जो वहां पर अभी रुझान में हैं वो है प्रवीण जुगन्नाथ। अगली जानकारी तक चलते हैं।
अगली जानकारी नासा से। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई 2020 को मंगल मिशन मार्स 2020 जारी कर दिया। इससे पहले यूएई ने होप मिशन किया था, वो उसका पहला मंगल मिशन है और शायद अरब कंट्री का पहला मिशन है। चाइना ने भी जल्दी जल्दी में तियानवेन वन को लॉन्च कर दिया और ये तीनों के तीनों मिशन फरवरी 2021 में ही मंगल पर पहुंचेंगे। नासा के मिशन की खासियत यह है कि नासा पहली बार एक ऐसा रोवर यहां पे उतारने जा रहा है जिसकी आकार कार के बराबर, एक छोटी कार के बराबर है। दूसरी बात है, इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर भी होगा। यह हेलीकॉप्टर 10 फीट तक ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा और फिर 6 फीट आगे जाएगा और फिर उसके बाद यह लैंड करेगा, फिर 10 फीट उठेगा, फिर 6 फीट आगे जाएगा और इस तरीके से ये वहां पर चलेगा। क्योंकि जितना आसान आप सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर पृथ्वी पर उड़ाया जा सकता है, उतना आसानी से हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मंगल ग्रह के जो वायुमंडल का घनत्व है वो पृथ्वी से कहीं ज्यादा विरल है, कहीं ज्यादा रेयर है, जिसकी वजह से वहां पर उतना अपथ्रस्ट पैदा कर पाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात होगी। लेकिन फिर भी यहां पर यह रोवर उतरेगा और रोवर उतरने के बाद 2031 तक वहां के नमूने इकट्ठे करेगा और 2031 में वहां से वो रोवर वापस भी आएगा, मंगल ग्रह से वापस भी आएगा। मंगल ग्रह की जो दूरी है वो लगभग 48 करोड़ किलोमीटर है, तो 48 करोड़ किलोमीटर जाने वाला है 7 महीने में आपका ये मार्स 2020। कार के आकार के वाहन में, इसमें जो रोवर है उसमें 25 कैमरे लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफोन लगे हैं, ड्रिल मशीन है, लेजर उपकरण के साथ मंगल ग्रह के लिए भेजा गया है। यह वहां पर जीवन की संभावना को देखते हुए आवश्यक प्रयोग करेगा और लौटते समय वहां की मार्टियन नाम की एक चट्टान का टुकड़ा भी धरती पर लाएगा, जिसकी बाद में वैज्ञानिक जांच करेंगे। उस चट्टान के अध्ययन से वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीव का वास था या नहीं। और आगे आने वाले समय में ऐसा भी देखा जाएगा कि मंगल ग्रह तक सैर भी कराई जाएगी आपको, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप मंगल ग्रह तक घूम भी पाएंगे। मनुष्य को भी भेजने के लिए वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो अमेरिका अकेला देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए 9वीं बार अभियान शुरू किया है, इससे पहले कि उसके सभी 8 अभियान सफल और सुरक्षित रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने भेजा था होप मिशन और चाइना ने लॉन्च किया था तियानवेन, ये भी मंगल ग्रह मिशन है। भारत ने 2014 में भेजा था और अपने पहले ही प्रयास में सफलता पाई थी। ICRA ने अभी हाल ही में N. Sivaraman को अपना MD और ग्रुप CEO नियुक्त किया है। ICRA क्या है? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये भारत की एक ऐसी रेटिंग एजेंसी है जो वित्तीय मामलों से जुड़े चीजों के बारे में या फर्मों के बारे में क्रेडिट रेटिंग जारी करती है। और यही एक इंडिया के अंदर शोधकर्ता भी है, जो मूडीज वगैरह को और आपका जो टाइम्स वाले हैं या जो भी आपकी रेटिंग एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं जैसे S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, उनको ये डेटा भी सप्लाई करता है और उसके बीच में इनका पार्टनरशिप है। तो घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा अभी हाल ही में N. Sivaraman को 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह पूर्व MD और समूह के CEO नरेश टक्कर की जगह लेंगे। नाम भी अच्छा है, नरेश टक्कर। यह पद 1 वर्ष यानी 2019 में नरेश टक्कर के कार्यकाल के समाप्त किए जाने के पद से तब से खाली पड़ा हुआ था। Sivaraman ICRA समूह के कारोबारी रणनीति और नवाचार को चलाने, संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण, विश्लेषणात्मक उत्कृष्टता को मजबूत करने के साथ साथ रेटिंग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूत बनाने की दिशा में भी काम करके कंपनी के विचार को आगे ले जाएंगे। तो ICRA काफी समय से खाली पड़ा था पद, तो MD बन गए हैं N. Sivaraman, नरेश टक्कर की जगह ली है। एक और अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है PM मोदी का। अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के भी प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए थे प्रवीण सिद्धार्थ। तो 2010 के IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को कोटर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। कोटर्मिनस क्या होता है कि हार्दिक अभी इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे, तो कुछ ना कुछ तो काम उन्होंने किया होगा, उनका कार्यकाल वहां पर पूरा नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं होगा कि उनको एक नया कार्यकाल यहां पर मिलेगा। मान लीजिए उनके कार्यकाल के वहां पर 2 साल बचे होंगे तो उन्हें यहां पर सिर्फ 2 साल काम करने को मिलेगा। अच्छा, ये कहा गया भारत के प्रधानमंत्री के ये निजी सचिव अभी तक तो कोई ना कोई रहे होंगे, वो थे राजीव टोपनो, उनको वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है और वो 15 अगस्त से वाशिंगटन ज्वाइन करने वाले हैं।
तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद में भी सेवारत हैं और उनको को टर्मिनस के आधार पर हार्दिक सचिन चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। यह है राजीव टोपनो, जिनको अभी जिनकी जगह ये ले रहे हैं सतीश चंद्र शाह। राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। एक और अपॉइंटमेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बनाए गए पी प्रवीण सिद्धार्थ, जिनको विक्रम सिंह की जगह लगाया गया। विक्रम सिंह के कार्यकाल को घटाया गया और उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। यह भी 16 जुलाई की न्यूज है और ये वाली न्यूज जो है ये 4 जून की है, 4 जून 2020 की। तो राजीव टोपनो जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने। अगली जानकारी है, भारत के ऊपर तीन तीन डिस्प्यूट पैनल गठित किए गए हैं भारत के जांच करने के लिए। जापान, ताइवान और यूके की कुछ कंपनियों का कहना है, यूरोप की कुछ कंपनियों का कहना है कि भाई भारत जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, क्योंकि जापान है, यूके है और ताइवान और चाइना, इवन ये बड़ी कंपनी बड़े देश हैं जो आपके लिए टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो इनका कहना है, फिलहाल तो जो रिट फाइल की गई है, जो केस किया गया है जांच करने के लिए WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि पूरे विश्व में व्यापार के लिए माहौल बना रहे, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जापान और ताइवान के अनुरोध पर दो और विवाद निपटान पैनल यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल गठित किए हैं, जो कि भारत द्वारा मोबाइल फोन समेत कुछ विशिष्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पाद पर लगाए गए आयात शुल्क की जांच करेंगे। इनका कहना है कि 2017 में भारत ने इनकी वस्तुओं पर 10% का टैक्स लगाया, फिर उसी साल उन्होंने 15% कर दिया और फिर अब वो 20% कर दिया है, जिस और ये सारा काम उन्होंने कंपनी के लोगों से या सरकार से बिना बात किए ऐसा किया है, एक तरफा कार्रवाई की है, जिसके लिए जापान ने 39 अलग अलग मेजर्स बताए हैं कि इन पर भारत सरकार सही से काम नहीं कर रही है और बाकी लोगों ने 6 मेजर्स बताए हैं, जबकि भारत ने मना कर दिया था कि जो कंप्लेन है उसमें एक सिंगल पैनल की बात हम नहीं मान सकते, इसलिए तीन तीन पैनल गठित करने पड़े। सिंगल पैनल की बात इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि कंप्लेन में बहुत अंतर है, आप कुछ कह रहे हो एक दूसरी कंप्लेन के लिए, आप किसी के लिए कर रहे हो एक तीसरी कंप्लेन, आप किसी के लिए कर रहे हो, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, आप अलग अलग गठित करो। तो तीन पैनल गठित कर दिए गए, अब इंडिया इनको जवाब देगा, लेकिन ये एक तरह से केस हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के खिलाफ। लेकिन अगर ये केस इंडिया हार जाता है तो ऐसे में जो होगा तो भारत के व्यापार को WTO कई देशों तक सीमित कर सकता है और इसमें भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चाइना बाजी मार सकता है, यानी कि इसमें अगर भारत केस आता है तो सीधा फायदा चाइना को होगा। फिलहाल भारत द्वारा अधिरोपित शुल्क के इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा गठित कुल विवाद निपटान पैनलों की संख्या अब 3 हो गई है। इससे पूर्व विश्व व्यापार संगठन ने यूरोपीय संघ के अनुरोध पर इसी मुद्दे को लेकर भारत के विरुद्ध एक विवादास्पद पैनल का गठन किया था, विवाद निपटान पैनल का गठन किया था। WTO की विवाद निपटान प्रणाली में किसी भी व्यापार विवाद के आरंभ में संबंधित सदस्यों के बीच परामर्श के माध्यम से निपटाने की कोशिश की जाती है। अब ये जो पैनल होगा ये दोनों लोगों से बात करेगा कि भाई कर लो, ऐसा कर लो, आप भी कुछ कर लो बीच का रास्ता, और लेकिन फिर भी अगर डिस्प्यूट नहीं आता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फिर केस फाइल करेगा और केस ऑलरेडी फाइल हो गया, फिर वो केस के ऊपर आगे कार्रवाई पे बढ़ जाएंगे और फिर इसका नुकसान भारत को हो सकता है अगर केस आ रहा तो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर की गई थी। WTO के सचिव व महानिदेशक जेनेवा में रहते हैं और वर्तमान समय में हेड पास्कल लैमी है। 1 जनवरी 1995 की स्थापना इसकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गई थी, आज से लगभग 25 साल पहले। अगली जानकारी है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक बहु महत्वाकांक्षी मिशन है। इसके जरिए बेरोजगारी को कम करना और भारत में उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है। उद्यमिता बढ़ जाए भारत के अंदर, लोग खुद का रोजगार लगाएं और लोगों को भी रोजगार दें, तो इसका मेन मिशन है। इसके लिए नीति आयोग सहायता प्रदान करता है, बैंक द्वारा लोन दिलवाता है, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाते हैं जहां पे लोगों को हुनर सिखाया जाता है, जहां आपको नए नए विचार उनको आएंगे और उस हिसाब से स्टार्टअप। अटल इनोवेशन मिशन का जो थीम है वो है वी स्टार्ट स्टार्टअप, हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र, एक पूरा इकोसिस्टम इसको अच्छे से बनाने के लिए
इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि करने के लिए AIMICRESTशुरू किया गया है। AIM अटल इनोवेशन मिशन ICRESTप्रोग्राम शुरू किया गया है जो उच्च प्रदर्शन स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है, यानी कि ऐसे स्टार्टअप बनाए जाएंगे जो भविष्य में अच्छी तरीके से काम करें और लोगों को फायदा पहुंचाए। अटल नवाचार मिशन ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बाधवानी फाउंडेशन की साझेदारी में ICRESTको लॉन्च किया है। AIM ने इसके लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बाधवानी फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इनक्यूबेटर क्षमता में वृद्धि करना है। इनक्यूबेटर में क्षमता का वृद्धि मतलब होता है इनक्यूबेटर एक ऐसा डिवाइस होता है पहते हो तो जिसमें सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे कि सब्जी वगैरह को एक पर्टिकुलर तापमान पर बनाए रखना, खाने की चीज़ों में कोई सूक्ष्म जीव ना पनप पाए। उसी तरीके से एक इनक्यूबेटर आपको यहाँ पर इस तरह से ऐसा समझना चाहिए कि एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना, एक ऐसा तंत्र बनाना जिसके अंदर जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं वो धीरे 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 अपने आप को ग्रो कर पाए। तो इस पूरे सेटअप को इनक्यूबेटर नाम दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म रहेगा इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, इनक्यूबेटर कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। और इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है इसका नाम रखा गया है AIMICRESTी। बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन से एक चीज मुझे याद आ रही है, अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड दिया गया था पिछले साल बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग को आप सभी को पता है कि इसका नाम पहले योजना आयोग हुआ करता था, 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष हमारे पदेन प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो है वर्तमान समय डॉक्टर राजीव कुमार है, जबकि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र एंड बीके पाल अभी वर्तमान समय में यहां पर काम कर रहे हैं। एक बहुत पुरानी मूर्ति थी नटराज की, या नटराज आप नतीशा कह सकते हैं उसे, जो 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति थी, सैंडस्टोन थी मूर्ति है। ये चोरी हो गई थी 1998 में, पता चला था 1998 में कि ये चोरी हो गई, चोरी तो बहुत पहले हो गई थी। तो ये देखा गया, इसके ऊपर शोध किया गया, तो पता चला कि मूर्ति जो मंदिर के अंदर रखी हुई है, कौन से मंदिर के अंदर रखी हुई, राजस्थान में बाईसल एक मंदिर है, हाँ घाटेश्वर मंदिर बारौली राजस्थान, घाटेश्वर मंदिर में ये मूर्ति रखी हुई थी और लोग इसकी पूजा भी कर रहे थे। बाद में पता चला कि ये मूर्ति वो नहीं है जो 9वीं शताब्दी वाली है, इसको चोरी कर लिया गया था, इसको चोरी करके फिर इसको इंग्लैंड में बेच दिया गया था और फिर वहां से 2003 में भारतीय उच्चायोग में इसको वापस से सबमिट किया। एक व्यक्ति ने, उसको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये नहीं, हिंदुस्तान का गौरव है, इसे वापस कर देना चाहिए, तो फिर इसे वापस कर दिया गया। एक नए स्कैम का खुलासा हुआ था उस टाइम 2003 में। तो नतेसा 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो राजस्थान की प्रतिहार शैली में बनी हुई थी, जो राजस्थान पुलिस द्वारा अभी हाल ही में 22 साल बाद पुनः इसे प्राप्त किया गया है। उस टाइम एक व्यक्ति का नाम आया था वमन घिया करके, ये पूरा का पूरा एक स्कैंडल चला रहा था। पूरे भारत में जितनी भी अच्छी अच्छी एंटीक पीस थी, इसके ऊपर आरोप है कि लगभग इसने 578 एंटीक पीस इसी तरह की मूर्तियों को चुरा कर, उनकी जगह नकली मूर्तियां रखकर उनको देश के बाहर भेज दिया। 2003 में इसके ऊपर ट्रायल शुरू हुआ, इसको पकड़ा गया, फिर 2004 में ये छूट गया क्योंकि पुलिस हमारी ऐसी थी कि एक भी एंटीक पीस बरामद नहीं कर पाई और इसके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए। फिर बाद में धीरे 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 ये मूर्तियां जब वापस आने लगी, जैसे कि ये आई है तो पता चला कि हाँ नहीं, इसी आदमी ने बेची थी, तो ये फिर फरार हो गया। तो नतीसा 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो कि इस भगवान शिव के डांस फॉर्म में है और इसमें जो पीछे एक नंदी बना हुआ है उसको काफी आर्टिस्टिक फॉर्म में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा टूट फूट गई है और अब इसको आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति भारत को वापस मिली है। 1998 में इसे देश से बाहर ले जाया गया था इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के पीछे। कुछ पुरातत्वविदों ने नतीसा आइकन की बहाली के लिए लगातार प्रयास किए। बलुआ पत्थर की नतीसा की आकृति जो है वो 4 फीट ऊंची है और इसके नंदी के चित्र बने हुए हैं और इसमें भगवान शिव को डांस करते हुए दिखाया गया है। राजस्थान का घाटेश्वर बारौली मंदिर। अब बारी है न्यूज फटाफट। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को मनाया गया, यानी कि प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में प्रतिवर्ष विश्व भर में 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था और इस वर्ष यानी 2020 में मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस का जो मुख्य विषय है वो है कमिटेड टू कॉज,
वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगली जानकारी है, पेटीएम मनी ने अभी हाल ही में वरुण श्रीधर को अपना सीईओ बनाया है। पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लेने वाले हैं, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया था। श्रीधर पेटीएम के अध्यक्ष अमित नैयर को रिपोर्ट करेंगे। श्रीधर फर्म के लिए इक्विटी ब्रोकरेज सेवाओं के लॉन्च और विकास का नेतृत्व करेंगे और म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और गोल्ड सर्विसेज के आसपास मौजूदा उत्पादों को विकसित करेंगे। तो अभी बने हैं वरुण श्रीधर एज ए सीईओ पेटीएम मनी। अब बारी है आज के हमारे क्विज की, वन लाइनर की सॉरी। मॉरिशस में अभी हाल ही में 30 जुलाई को अपने देश में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन किया और अमेरिका अकेला ऐसा ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए 9वीं बार अभियान शुरू किया है। एन शिवरामन को अभी हाल ही में ICRA का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया और किसको कोर टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव बनाया गया है, तो वो है हार्दिक सतीश चंद्रा। WTO ने हाल ही में जापान और ताइवान के अनुरोध पर दो और विवाद निपटान पैनल गठित किए हैं जो कि भारत द्वारा मोबाइल फोन समेत कुछ विशिष्ट सूचनाएं एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर लगाए गए आयात के शुल्क की जांच करेंगे। नतीसा 9वीं शताब्दी की एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है, इसको किस राज्य की पुलिस ने 22 साल बाद पुनः प्राप्त किया है, तो वो है राजस्थान। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को। और पेटीएम मनी ने किसको कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो वह है वरुण श्रीधर। अब बारी आज के क्विज की। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने यहां पोर्ट लुइस में एक सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए अब तक 9 मिशन भेजे हैं। ICRA द्वारा अभी हाल ही में एन शिवरामन को अपना MD और CEO नियुक्त किया गया। को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और WTO ने हाल ही में जापान और ताइवान के अनुरोध पर दो और विवाद निपटान पैनल गठित किए हैं जो भारत द्वारा मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस पर लगने वाले लेवाई यानी कि जो भी टैक्सेस हैं उनकी जांच करेगा। हाँ, भारत द्वारा, इंडिया द्वारा। नतीशा 9वीं शताब्दी की दुर्लभ बलुआ पत्थर मूर्ति है, इसको अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 22 साल बाद पुनः प्राप्त किया गया। 1998 में इसे चुरा लिया गया था। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को हर साल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ डे मनाते हैं। और पेटीएम मनी ने अभी हाल ही में वरुण श्रीधर को अपना CEO नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।